हाय फ्रेंड, आज के ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। अब आप देख सकते हैं कि आज जो है बहुत ही ऑर्गेनिक साग बनने वाला है। अब आप देख के कमेंट करके बताएं कि ये किस चीज़ का पौधा है और बहुत ही ये हेल्थ के लिए लाभदायक है और इसका हर चीज़ का यूटिलाइजेशन होता है, फूल का भी, इसका फल का भी और पत्ता का भी यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, और देखिए बनाने वाली है और कैसे कैसे इसको बनाएंगे। इसको सबसे पहले इस टाइप से इसको खींच के, कैमरा माइक प्लीज, देखिए इस तरह से इसको बनाएंगे। इसको इस टाइप से सिरक लेंगे और इसको अच्छे से पानी में धो करके और इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद इसको निचोड़ देंगे और निचोड़ने के बाद आलू, प्याज हो गया, लहसुन हो गई, टमाटर, मिर्चा, ठीक है, दिखा के आगे का प्रोसेस क्या क्या है, डिटेल में है सो बताइए। तो चलिए आगे बताता हूँ कैसे कैसे इसका बनाया जाएगा, टोटल डिटेल्स आगे बताएंगे क्या क्या इसमें डाला जाएगा, कैसे इसका प्रोसेस है। और बहुत ही स्वादिष्ट है, खाने में इतनी स्वादिष्ट लगता है, बहुत ही अच्छा है और हेल्थ के लिए भी बहुत जगह जगह पर जो दर्द होता है जोड़ों के, इससे और भी फायदा है कि जो शरीर में जो जगह जगह पर हड्डी में जो दर्द होता है, घुटने पर हो गया और आयुर्वेद का भी दवा का काम करता है। तो इसको अगर जो रेगुलर यूज किया जाए सप्ताह में 2-4 दिन, तो 6 महीना साल भर खाते तक इसका असर दिखने लगता है। तो दोस्तों ये आयुर्वेदिक भी है, हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसका फल से लेकर इसका फूल का भी है, फूल का तो इतना स्वादिष्ट सब्जी बनता है और पकौड़ी बनता है कि आप खाते रहिएगा। और बहुत ही अच्छा पौधा है, तो देखिए हम लोग का लगा हुआ है बगान में। आवाज इसका हम लोग साग बनाएंगे और ऐसे देखिए फूल भी लगा हुआ है, तो फूल का भी बनेगा पकौड़ी। अगले वीडियो ब्लॉग में हम दिखाएंगे और इसका आज का इसका टोटल प्रोसेस बताते हैं। देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो देख सकते हैं कि इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया और देखिए इसका किस तरह से पत्ता को मैसेज है, तो देखिए पत्ता को निकाल रही है और इस तरह से इसको पत्ता को निकालना है। इसके बाद क्या करना है, पत्ता को निकाल के, और देखिए कितना बहुत ऑर्गेनिक चीज़ है, क्योंकि हम लोग आज जो है बाहरी सब्जी की ओर ये करते हैं, जो फ्रिज में या बाहर का जो है केमिकल से उसे केमिकल के द्वारा उसको प्रिजर्व किया जाता है और उसको रखने के लिए केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। इवन इफ आजकल ये देखा जा रहा है कि सब्जियों के ऊपर पेंट किया जा रहा है, पेंट वाले पेंटेड सब्जी, हम लोग जो सब्जी को धोने का क्रम में आप देखे होंगे कभी कभी ऐसा कि कलर निकलता है। तो दोस्तों ये तो ये सब क्या है कि प्रिजर्व जो है नेचुरल कलर देने के लिए बहुत बासी सब्जियों को इस तरह से किया जाता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हो सके तो ऑर्गेनिक चीज़ ही खाएं और ताज़ा चीज़ खाएं। तो इसके बाद का प्रोसेस बताएंगे, आगे बने रहिए और पूरे डिटेल बताएंगे क्या क्या इसमें। सबसे इसका विशेष है कि इसका मसाला, आप मसाला इसमें मसाला को ध्यान देना पड़ता है और मसाला का रेशियो भी इसमें है, जो मसाला से ही इतना स्वादिष्ट इसका साग बनता है कि आप उंगली चाटते रह जाएंगे। कैसे उंगली चाटेंगे, आओ
तो बहुत ही, मैं तो खाया हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आगे का भी प्रोसेस दिखाएंगे, इसमें क्या क्या मसाला डाला जाता है और कितना कितना अमाउंट में, कैसे 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 इसको रोस्टेड किया जाता है, भूंजा जाता है, वो भी बताऊंगा। कढ़ाई आपका कच्चा चावल रहने दीजिए ना, तब ना अच्छा लगेगा। अच्छा क्या क्या मटेरियल डाली है? लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्च आदि, धनिया पत्ता। सब कॉमन मटेरियल ही है। तो दोस्तों इस तरह से कॉमन मटेरियल डालने के बाद देखिए इसको ऐसे रेडी हो गया है। बट इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरह से करके इसको कुटाई किया जा रहा है, जिससे खाने में जो है वो पत्ता पत्ता नहीं दिखे। इस तरह से ये जो है कुटाई करने के बाद ये आपस में मिल जाता है और खाने में अच्छा लगे, इसलिए इसकी कुटाई हो रही है। और फाइनली जो मुनगा का साग है रेडी हो गया। फ्राई भी होगा इसका, फ्राई हो गया, बस इतनी जा रहा। थोड़ा और फ्राई होगा इसका। देखिए फ्राई हो रहा है, थोड़ा भून जाएगा तो अच्छा लगेगा, इसको भून देंगे। फ्राई होगा थोड़ा। तो देखिए दोस्तों फाइनली बन गया। अब इसको खाने के लिए तैयार है।